माइक उसोल की भी फाइट स्टार्ट हो चुकी है, जहां एक खिलाड़ी को फिनिश जरूर किया गया। लेकिन दूसरी तरफ माइक उसोल के ही खिलाड़ी जिस तरीके से मान्या को डाउन किया गया था, बैकअप आया, निंजा ने साथ के साथ ब्लेस को डाउन किया है और अब मुश्किलें बढ़ाने के लिए माइक उसोल तैयार है। देखिए एरिया को अच्छे से होल्ड कर रहे हैं और उस एक घर में रिमोसलेस के आखिरी खिलाड़ी और उनके अगेंस्ट प्रॉपर फाइट लेकर के आ चुके हैं माइक उसोल के प्लेयर्स। दो फिनिशेज इनके पास है जरूर, निंजा को थोड़ा सा खुद को हील करना पड़ेगा, लेकिन यही चीज आप टीपी पे एंगल पर जब प्लेयर्स को देख लेते हैं दिक्कतें होती है, बट नकुल एक अच्छे एंगल से आए एंड इंस्टेंट नॉक फिनिश करते हुए माइक उसोल का प्रेशर अब ज्यादा देखने को मिलता हुआ। जी और बहुत बढ़िया एग्जीक्यूशन हमें देखा फाइट का, मान्या भले नॉक आउट है लेकिन उनको भी रिवाइवल मिल जाएगा, यानी कि तीन फिनिशेज आए जरूर हुए, लेकिन ऐसा लगता है उनके ऊपर हावी होने के लिए माइक उसोल अभी भी मंडरा रही है। देखिए गैस स्टेशन के पास वो लास्ट प्लेयर और उन पे प्रेशर डालने की कोशिश हो सकती है, लेकिन अभी खुद को भी थोड़ा सा सेफ गार्ड रखना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि आप ऑफ एंगल में पकड़े जाएं, क्योंकि फिर आप सीधा नॉक और फिनिश होते हैं। जस्ट डिवाइन ट्राइंग टू सर्वाइव, बट कितनी देर तक ये सर्वाइवल आएगा या फिर क्या ये किसी को देख करके नॉक या फिनिश, वो कॉन्वर्सेशन रहेगी जरूर, थोड़ा समझने वाली बात। बट आप एक चीज देखें, मैप पर एक हल्का सा बिंदु दिखा, मतलब साइड से और भी टीम्स आ रही हैं जो मूव कर सकती हैं इस जगह पे। जी और जल्द से जल्द बढ़िया तरीके से वो पहली फाइट भी उन्होंने ली और बहुत सारी टीम है जिनकी मुश्किलें बढ़ चुकी है, जेनेसिस और रिमोर्सलेस। चलिए रिमोर्सलेस के वो आखिरी खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे थे, उनको फिनिश ऑफ किया गया, यानी कि टीम माइक उसोल आते ही पांच फिनिशर आ चुके उनके खाते में। बिल्कुल जेनेसिस किक्स को लेजिट 25 आर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं काफी स्मूथ एक्सपीरियंस के लिए, बट इसी बीच टीम माइक उसोल वो टीडब्ल्यूओबी के एक्सपीरियंस शायद उतना स्मूथ ना रखने दे, क्योंकि स्पॉट कर लिया गया है प्लेयर्स को। लेजिट एक ग्रेनेड वो कुक जरूर कर रहे हैं, रॉनी के नजदीक जा सकता था लेकिन उन्होंने वो थ्रो नहीं किया। लेजिट ने पहले मान्या को डाउन किया और अब वो मैन एडवांटेज टीडब्ल्यूओबी के खाते में। बट खराब ये है, देखिए लोकेशन पता है लेजिट की, इस चक्कर में लेजिट को टेक डाउन करने की कोशिश हो सकती है, बट प्रिंस का भी कवर आया और उन्होंने माइक उसोल के एक और खिलाड़ी रॉनी को टेक डाउन किया और खत्म भी किया, और टीडब्ल्यूओबी शायद इस फाइट से डिसएंगेज करना चाहे। जी नहीं, खिलाड़ी खत्म किए जा रहे हैं, सर्वित वो भी एक फिनिश अपने हिस्से में लेकर के जाएंगे, निंजा को भी खत्म किया है उन्होंने, इसका मतलब ये कि माइक उसोल इस गेम में ज्यादा बड़ा दाव नहीं खेल पाए। जी हाँ, पांच फिनिशेज उन्होंने निकाले थे और आप कह सकते हैं कि इनफैक्ट छह जो टोटल फिनिशेज है वो उन्होंने निकाले हैं। टीडब्ल्यूओबी की बहुत ही ज्यादा बेहतरीन शुरुआत, जहां पर आठ उनके खाते में जाएंगे एक राउंड।